दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, कभी कभी चलते फिरते, उठते बैठते हम कोई छोटा सा ऐसा कर्म करते हैं, हमारी लाइफ में छोटा सा ऐसा बदलाव करते हैं जो हमारी जिंदगी को बदल देता है। आज दोस्तों, मैं आपको एक बढ़िया उपाय बताने के लिए जा रही हूँ। आपको ये इस क्रिया को आप करना शुरू कर दें। वैसे दोस्तों, माघ महीने में नदी का स्नान इतना इतना पावरफुल है, इतना शुद्ध पवित्र है, इतने अच्छे आपके कर्मों के अच्छे फल देने वाला है कि आप चारों धाम करते हैं और सिर्फ माघ महीने में आप नदियों का स्नान करते हैं, शुद्ध पवित्र नदियों में आप स्नान करें, आपकी लाइफ में शुद्धता पवित्रता आ जाती है, प्रोग्रेस आ जाती है। तो दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही साधारण सी बात बताऊंगी कि जब आप नहाने जाते हैं तो आप नहाने के पानी में, आपके घर में जैसे आप कभी तीर्थ में गए हैं तो आप गंगा जल है, यमुना का जल है, कोई भी नदी का जल आप अवश्य ही लेकर के आए और नहाने के पानी में थोड़ा सा जल मिला करके आप स्नान करें। आप देखेंगे दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन आपकी लाइफ में आएगा। यदि आप किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, आपको कोई मानसिक टेंशन है, आपके शरीर में भी जात के कोई विकार पैदा हो रहे हैं, तो जहाँ आपके घर में तुलसी माता लगी हो, उस गमले की जरा सी मिट्टी, एक चुटकी मिट्टी आप नहाने के पानी में डालें और उसके बाद आप नहाना शुरू करें। बहुत जल्दी आपको परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। ग्रह दोष यदि आपकी लाइफ में है, ग्रहों से यदि आप परेशान हैं, शनि है, राहु है, मंगल है, आपको परेशान कर रहा है, थोड़ा सा एक चम्मच कच्चा दूध नहाने के पानी में आप मिला करके नहाना शुरू करें दोस्तों, ग्रह दोष बहुत जल्दी दूर हो जाते हैं। लक्ष्मी को लेकर के जो लोग परेशान हैं, जिनके पास धन की बहुत कमी है, शुक्रवार के दिन नहाने के पानी में थोड़ी सी हल्दी डाल दें और उससे आप स्नान करें। लिख करके देती हूँ दोस्तों, कुछ ही दिनों में आपके पास धन आना शुरू हो जाएगा। यदि आप दरिद्रता को लेकर के परेशान है, घर से दरिद्रता जा ही नहीं रही है, घर से कलह नहीं जा रहा है, तो थोड़ी सी सरसों या सरसों के पत्ते शनिवार के दिन आप नहाने के पानी में डालें और उससे आप स्नान करें, जबरदस्त रिजल्ट आएगा, नो डाउट। यदि आप चाहते हैं कि आपका आकर्षण बल बहुत जबरदस्त पड़े, लोग आपको देखकर आकर्षित हो, आपकी तरफ लोगों का ध्यान जल्दी से जाए, लोग आप पर खुश रहें, प्रसन्न रहें, तो दोस्तों नहाने के पानी में एक कपूर की गोटी अवश्य ही मिलाएं। इससे आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति भी बहुत अच्छी हो जाती है और लोगों का आपकी तरफ अट्रैक्शन भी बहुत बहुत ज़्यादा हो जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका सौंदर्य लहरा उठे, तो नहाने के पानी में दो बूंद चमेली का तेल अवश्य ही मिलाएं। आप देखेंगे दोस्तों कि आपका सौंदर्य चमक उठेगा। और आज ये जो स्पेशल आपको उपाय बता रही हूँ दोस्तों, नहाते समय आप मन ही मन बोले या जोर से बोले, लेकिन जो लोग नहाने के पानी में नदी का पानी नहीं मिला पा रहे हैं, वे लोग जैसे ही पानी भरे डिब्बे में, अपने सिर से डाले और जितनी ज़्यादा दोस्तों आपको नदियों का नाम मालूम है, आप उतना नदियों का नाम बोलते जाए, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, शिप्रा, नर्मदा, यमुना, जो भी आपको आती है नदियों के, जितने भी आपको नाम आते हैं आप उन्हें बोलना शुरू करें। और जिन लोगों को कोई भी नाम नहीं आता हो, नहीं याद रहता हो, तो कोई भी एक नदी का नाम, जैसे कि गंगा माता, तो हर हर गंगे, हर हर गंगे बहुत ही शुद्ध और बहुत ही पवित्र नाम है। जितना ज़्यादा आप ये नाम बोलेंगे, आपके तन मन में नदी का जल ना होने के बावजूद भी आपका जो जल है, खुद आपके शब्दों से उन शक्तियों को ग्रहण करता है और आपके पानी को पवित्र बनाता है। आप ये ऐसा ही महसूस करें दोस्तों कि आप गंगा जल से स्नान कर रहे हैं। और अभी तो दोस्तों गंगा जल शॉप पर भी मिलता है, जहाँ पर भी पूजा पाठ की दुकानें हैं, आप छोटी सी एक बोतल ले आए और उसके दो चार बूंदे नहाने के जल में मिलाएं और आप स्नान कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं तो आप मुँह से बोल तो सकते ही हैं, जितनी भी नदियों के नाम आप बोलते जाएंगे दोस्तों, आपके लिए बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शुद्ध, बहुत ही पवित्र इफेक्ट आपकी लाइफ में आएगी। जैसे कि जो शादीशुदा महिलाएं हैं, जितना ज़्यादा सतियों के नाम, सती अनुसुईया है, जो भी सतियां हैं, जो भी हमारी सतियां हो गई हैं हमारे ग्रंथों में, आप सिर्फ उनके नाम बोलें,
नाम बोलने मात्र से आपके आपका चरित्र चमक उठता है। आपके घर में शुद्धता और पवित्रता का वातावरण पैदा होता है। आपके आपके जीवन में सुख आने लग जाता है। जो नेगेटिव चीज़ है वो आपकी लाइफ से दूर भागने लग जाती है। सिर्फ आप सतियों के नाम बोलें बहुत ही पावरफुल होता है। ऐसे ही आप नहाते समय नदियों के नाम सिर्फ आप बोलें, मन ही मन बोलें या जोर से बोलें, आपको जो भी पुण्य फल मिलना चाहिए नदी स्नान करने का, तीर्थ का स्नान करने का, वो सारा ही फल आपको घर बैठे मिलेगा और बहुत ही बढ़िया परिणाम आपको देखने के लिए मिलेंगे। करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।